नाजरीन आपको आगाह करते चलें ब्रेकिंग न्यूज़ से। तहरीके इंसाफ के कारकुनान के लिए बड़ी खबर, चेयरमैन पीटीआई एन ए की नवासी पर अपील का फैसला। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं वाच टाइम्स के नुमाइंदे यासिर रवान के साथ। जी यासिर बताइएगा। जी बिल्कुल मुजीब, लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में कायम इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने बानी पीटीआई की एन ए नवासी पर अपील का फैसला महफूज कर लिया है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल 10 जनवरी को फैसला सुनाएगा। रावलपिंडी बेंच में इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने बानी पीटीआई की एन ए नवासी की अपील पर समाअत जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज़ ने की। बैरिस्टर अली जफ़र पीटीआई की जानिब से पेश हुए। बैरिस्टर अली जफ़र ने कहा, मैं अपने दलायल 3 हिस्सों में तकसीम करूंगा। मॉरल ट्रिपीट्यूट केस से केस मुख्तलिफ है। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज़ ने रिमार्क दिए कि पहले मॉरल ट्रिपीट्यूट पर बात कर लेते हैं। बैरिस्टर अली जफ़र की जानिब से मॉरल ट्रिपीट्यूट पर मुख्तलिफ हवाले पेश किए गए। बैरिस्टर अली जफ़र ने आर ओ का फैसला कलदम करने की सदा भी की। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने रिमार्क दिए कि तोशाखाना से जो चीज़ें ली गईं, क्या इनकी तफसीलात दी गई। हम यहाँ पर तोशाखाना केस के मेरिट की बात नहीं कर रहे। जो पैसा तोशाखाना चीज़ें बेचकर हासिल किया गया वो बताया गया था। जिस पर बैरिस्टर अली जफ़र ने कहा, जी वो बिल्कुल बताया गया था। मुकदमा में सज़ा मौतली के बाद 63(1)(h) काबिल अमल नहीं रहता। आर ओ ने कहा कि ECP ने फैसला महफूज किया हुआ है। ECP ने मॉरल ट्रिपीट्यूट का नहीं किया हुआ। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने अपील का फैसला महफूज कर लिया, जो 10 जनवरी को सुनाया जाएगा। जी यासिर बहुत शुक्रिया मज़ीद तफ़सीलात के लिए।